हेलो भाई लोग, गुड आफ्टरनून। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाला था, तो जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके रखा है तो उन लोग को पता होगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं, मैंने जितना भी वीडियोस अब तक अपलोड किया है, तवांग हो गया, मेचुका हो गया या अनिनी हो गया, उन सब वीडियो में मतलब एक दो कमेंट मैंने ऐसे देखा है कि लोग पूछते हैं बजट कितना लगता है और कैसे जा सकते हैं। तो ऐसे बहुत लोग मिले हैं मुझे जिन लोगों ने कमेंट किया है। छोटा सा वीडियो होने वाला है, तवांग जाने के लिए या अनिनी जाने के लिए, मेचुका जाने के लिए कितना बजट चाहिए बाइक लेके। अगर आप सोलो जाने का प्लान कर रहे हो, सोलो जाने के लिए कितना बजट चाहिए या दोस्तों के साथ जाने के लिए कितना बजट चाहिए, तो सब कुछ आपको क्लियर मैं कर दूंगा इस वीडियो पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए प्लीज, क्योंकि वीडियो को अगर आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप लोग को कुछ समझ में भी नहीं आएगा अच्छे से। मेरा जो वीडियो का परफॉर्मेंस है यूट्यूब में बहुत ही ज्यादा गंदा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। तो आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखिए। पहली बार के लिए मैं तवांग गया था 2021 में। मैं अकेले नहीं गया था, गुवाहाटी से हम लोग तीन बंदे गए थे तवांग। और उस बार मैं तेजपुर का रूट जो है वो वाला रूट हम लोग ने लिया था। वो वाला तवांग ट्रिप पे हम लोग तीन जन गए थे यहाँ से, और जाके हम लोग भालुकपुंग में हम लोग को और चार जन मिल गए थे। तो हम लोग इकट्ठा होके हम लोग तवांग गए थे। उस साल मेरा इतना खर्चा नहीं हुआ था, मतलब पेट्रोल का खर्चा मैंने अकेले दिया था, लेकिन जितना भी रूम में रहने वाला रेंट हो गया, खाना वगैरह हो गया, वो सब हम लोग स्प्लिट हुआ था, इसीलिए थोड़ा बहुत कम हो गया था। तो उस साल हम लोग का जितना भी खर्चा हुआ था वो लगभग शायद मेरा अकेले का खर्चा हुआ था 6 से 7 हज़ार रुपये मेरा खर्चा हुआ था। उसमें पकड़ लीजिए आप 3 से 3.5 हज़ार का मेरा पेट्रोल का खर्चा हुआ था, क्योंकि हम मेरे बाइक पे हम दो जन गए थे, लगेज भी बहुत था और पिलियन भी था मेरे साथ, और एक बंदा गया था स्कूटी लेके। तो उस साल मेरा खर्चा लगभग गया था 6 से 7 हज़ार रुपया मेरा खर्चा हो गया, लगभग 8,000 अप्रोक्स मान लीजिए। अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो आप अच्छे जगह भी रुक सकते हो, आप 5 स्टार में भी रुक सकते हो, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आपको अगर बजट में करना है ना, तब आप लोग को मतलब थोड़ा ऐसा जगह ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे कम पैसों में भी आपको जितना मतलब फैसिलिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फिर आपका हीटर वगैरह हो गया क्योंकि ठंड बहुत हो जाती है, खाना वगैरह अच्छा मिले और सोने के लिए मतलब अच्छा बिस्तर मिले रूम में। अंदर जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए यार बहुत गंदा रूम है, यहाँ पे सो पाएंगे। बजट में करने के लिए ये सब चीजें कहाँ पे जाना पड़ता है मुझे अभी मालूम चल गया। कहीं कहीं पे मैं वीडियो बनाना भूल भी जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी जरूर डाल लेता हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो करने बोलता हूँ। बोमदिला थोड़ा बहुत ठंडा भी है, बोमदिला बहुत हाइट पे है तो वो ठंडा भी है बहुत, तो इसीलिए मैं बाइकर्स लोगों को नहीं रिकमेंड करूंगा। बाकी किसी को अगर रहना है तो रुक सकते हैं वहाँ पे, वहाँ पे मिलता है मतलब रहने खाने का सब कुछ मिलता है, अच्छा ही है। दिरंग हो गया, शेरगांव हो गया, उससे थोड़ा बहुत कॉस्टली है। अभी आप लोग को पता चल गया होगा कि मतलब आप लोग अगर दोस्त लोग साथ जाएंगे तो आप लोग का अगर बाइक में पेट्रोल का मैं बोल नहीं सकता क्योंकि सबका अलग अलग बाइक होता है, सब बाइक्स का फ्यूल एफिशिएंसी अलग अलग है, तो इसीलिए मैं माइलेज का तो नहीं बोल पाऊंगा, मतलब पेट्रोल का नहीं बोल पाऊंगा। आरपीएम अगर हम लोग ज्यादा दे रहे हैं तो मतलब पेट्रोल भी ज्यादा पीती है बाइक, तो इसीलिए पेट्रोल का मेरे को इतना, मेरा बाइक के लिए मुझे पूरा आइडिया है कितना पेट्रोल पीती है। इंस्टाग्राम में जितने लोग फॉलो करते हैं या यूट्यूब में मेरे को फॉलो करते हैं तो उन सबको पता होगा मेरा बाइक क्या है। मैं क्लासिक 350 यूज करता हूँ, मतलब रॉयल एनफील्ड का। कम से कम मुझे 30 से 35 किलोमीटर का माइलेज मिलता है, और ऐसे ट्रिप पे मैं जब जाता हूँ तो मेरा बाइक कितना तेल पिएगी मेरे को पूरा पता है, यहाँ से गुवाहाटी से लेके तवांग और तवांग से लेके गुवाहाटी तक। तो अब बात करते हैं मतलब कहाँ पे हम लोग को रुकना चाहिए रात को, और अगर आपको वीडियो वगैरह बनाना है, फोटो वगैरह अच्छा खींचना है तो कहाँ पे रुकने से ज्यादा अच्छा होगा। तो अगर आप जा रहे हो तेजपुर वाले रूट से, दिरंग तक आराम से जा सकते हो, बोमदिला को स्किप करके, बोमदिला को बाईपास करके दिरंग में स्टे कर सकते हो। दिरंग में बहुत जगह है स्टे करने के लिए। दिरंग पहुंचने से पहले ही आप लोग को कल्लेन होमस्टे बोल के एक होमस्टे मिलेगा जो कि मेरा पहचान वाला है, बहुत ही होमली फीलिंग है, ऐसा लगेगा कि आप फैमिली हो उन लोग का। तो कल्लेन होमस्टे हो गया एक, और आप लोग दिरंग में भी आप लोग को अच्छा रूम मिल जाएगा। पहली बार मैं होटल में रुका था 2021 में जब गया था दोस्त लोग के साथ, नेक्स्ट साल जब मैं गया तब मैं होमस्टे में रुका, हर जगह जाके होमस्टे में रुका मैं। ऐसे जब ट्रिप पे मैं जाता हूँ तो नाइट स्टे के लिए मैं जहाँ पे भी रुकता हूँ या मैं खाने के लिए रुकता हूँ कई जगह, तो मेरा अभी क्या है पहचान हो गया है वहाँ पे जाते जाते। बजट में करने के लिए ये सब चीजें, कई कई पे मैं वीडियो बनाना भूल भी जाता हूँ, इंस्टाग्राम पे स्टोरी जरूर डाल लेता हूँ क्योंकि फोन हमारे पास हर वक्त होता है, और वीडियो मतलब व्लॉग करने को मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, लेकिन नॉर्मल वीडियो लेता हूँ और वहाँ पे इंस्टाग्राम में स्टोरी में मैं डाल देता हूँ, तो इसीलिए आप लोगों को इंस्टाग्राम में फॉलो करने बोलता हूँ। आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो अगर करोगे तो आप लोगों को भी पता होगा शेरगांव में आप लोग रुक सकते हो, वो एक वैली है तो वहाँ पे मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वहाँ पे होटल वगैरह तो नहीं है, सारा होम स्टे ही है, वहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है। अगर आपको मतलब मंडला टॉप जाना है, मतलब तवांग भी जाना है और मंडला टॉप देख के जाना है, तब आप अगर शेरगांव में रुकेंगे तो आपको आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि शेरगांव से होके एक रास्ता जाता है, फुडुंग होके एक रास्ता जाता है, फुडुंग भी एक पास है जो आपको मिलता है मंडला टॉप अगर जाते हो आप। अगर आपको मंडला टॉप भी जाना है तो आप शेरगांव में रुकिए तो अच्छा है, वहाँ पे भी मतलब होमस्टे वगैरह बहुत बढ़िया बढ़िया मिलता है और ट्रेडिशनल फूड और ट्रेडिशनल कल्चर का आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे वहाँ पे,
तो एक होम स्टे है वहाँ पे जो मेरा इंस्टाग्राम पे है, मैं पोस्ट करता रहता हूँ, वहाँ पे मैं रुका भी था, और इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, फिर से बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे नीचे आप लोग को दिख रहा होगा आईडी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का। जगह बहुत ही मस्त है, वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते हैं, मतलब मोनपा लोग ज़्यादा रहते हैं, तो मैं जिस होम स्टे में था वो लोग मोनपा लोग थे, और उन लोगों का मैंने एक चिकन डिश खाया था, मतलब बुद्धिस्ट टाइप बुद्धिस्ट लोगों का चिकन का डिश खाया था। वो लोग नमक वमक नहीं डालते, लेकिन फिर भी इतना टेस्टी बना था ना भाई, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। हालांकि मैंने नमक एक्स्ट्रा करके ले लिया, एक्स्ट्रा करके वहाँ पे डाल लिया, लेकिन वो लोग नमक नहीं डालते, कुछ दूसरा कुछ डालते, लेकिन थोड़ा थोड़ा नमकीन लगता है वो। रेड बेरी होम स्टे बोल के एक है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मतलब मैं वहाँ पे रेड बेरी में मैं नहीं था, मैं दूसरा एक होम स्टे में था, सब सेम ही है वहाँ पे, फैसिलिटी सब सेम ही है वहाँ पे। इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हो उनका पेज, वहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा। भैरवकुंड रूट अगर आप लोगों ने लिया है तो आप लोग का एक जगह हो गया शेरगांव, दूसरा फिर से दिरांग। दिरांग आप लोग मतलब ये वाला रूट से भी आप एक दिन में आराम से दिरांग पहुंच सकते हो। दिरांग एक बहुत ही बढ़िया जगह है, शांति वैली बोल के भी जगह है, वहाँ पे भी आप रुक सकते हो, मतलब मस्त है वो, पूरा वैली है, नदी के पास में, और वहाँ पे ट्री हाउस भी है, ट्री हाउस में भी आप रुक सकते हो। वो वाला ज्यादा थोड़ा कॉस्टली है, आपको अगर थोड़ा फील लेना है, आप अगर गर्लफ्रेंड के साथ जा रहे हो, अगर आप मतलब कपल हो, तो आपके लिए वो जगह बहुत ही मस्त है। और चुप वैली में भी आप लोग जा सकते हो, लेकिन चुप वैली में शायद आप लोग रुक नहीं सकते वहाँ पे, लेकिन सिर्फ देखने के लिए जा सकते हो या पिकनिक वगैरह करने के लिए, तो वो सब करने के लिए जा सकते हो, लेकिन शांति वैली में आप लोग रुक सकते हो। तवांग में भी जाके मैं होम स्टे में रुका था, यरफेल होम स्टे बोल के एक होम स्टे है, वहाँ पे मैं रुका था, मतलब जो बुद्ध स्टैचू है, जिन लोग ऑलरेडी तवांग जा चुके हैं उनको पता है बुद्ध स्टैचू है एक, तो उसके पास में ही था। तवांग में थोड़ा बहुत चार्जेस थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पे 1000 रुपीज करके लिया था एक रूम का, क्योंकि दिरांग नीचे है और तवांग ऊपर है दिरांग से, तो इसीलिए रूम भी बहुत बढ़िया था। हम लोग को एक बहुत बड़ा रूम मिला था, 2 बेड था वहाँ पे, एक पूरा किंग साइज बेड था, और किंग साइज बेड में मैं अकेले सोया पूरा। अगर आप सोलो जा रहे हो बाइक लेके, तो आपका 10,000 से 12,000 का खर्चा होगा, क्योंकि आप सोलो जाते हो, सोलो जाने से कुछ भी स्प्लिट नहीं होता है, सब कुछ आपको ही देना पड़ता है। लेकिन पूरा अगर बजट में आप लोग मतलब खाना खाना है, सिर्फ खाना ही खाया, एक्स्ट्रा कुछ खर्चा नहीं करोगे, तब तो आपका 9 से 10,000 में हो जाएगा। अगर बाइक का भी पेट्रोल अगर आपको 30 माइलेज अगर मिलता है, तो आपको 9 से 10,000 में आराम से हो जाएगा, मतलब गुवाहाटी टू तवांग, तवांग टू गुवाहाटी, आराम से 10-12,000 में आपका हो जाएगा। 12,000 में इसलिए बोल रहा, 2,000 आपका एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी में आपको आप लोग यूज़ कर पाओगे उस चीज़ को, लेकिन नॉर्मली जितना भी लोग होते हैं 9 से 10,000 में ही आपका वो ट्रिप हो जाता है। अगर ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को रिलेटेबल लगा, आप लोग को मतलब थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हो मेरे चैनल पे, अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, और बाकी एक कमेंट कर दीजिए कैसा लगा आपको, और कुछ जानना है, और कुछ अगर क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग डाल सकते हो, तो मैं तब उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। आप लोग कमेंट करेंगे तभी मुझे पता चलेगा, और कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो इसीलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही, बाकी सब बढ़िया है, मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी।